वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। फ्यूचर के मेरे सभी के सभी एयरमैन एक बार कमेंट में जय हिंद लिख देंगे। आने वाले 10 दिन माहौल बदलना है, सब कुछ बदल के रख देना है और उन सभी लोगों को जवाब दे देना है जो कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकते। आज ब्रह्मास्त्र सीरीज में रे ऑप्टिक्स का ब्रह्मास्त्र जो सवाल है वो आपको मिलेंगे। गजब के क्वेश्चन होंगे, पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ में ब्रह्मास्त्र सीरीज लेक्चर नंबर आपका 8। अगर मैं यहाँ पे बात आपको करता हूँ, लेक्चर नंबर आपका 8 यहाँ पर आपको मिल रहा है। रे ऑप्टिक्स आपका टॉपिक रहेगा और जिद 25 में से 25 की है बेटा। एक एक सवाल का प्रैक्टिस कर लेना, एक एक सवाल को क्लियर कर लेना। ब्रह्मास्त्र सीरीज 25 में से 25 के लिए रे ऑप्टिक्स को फोड़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी बच्चे एक बार लाइव आ चुके हैं, फटाफट एक बार जय हिंद कमेंट कर दे बेटा। सभी बच्चे एक बार जय हिंद कमेंट कर दें, मजा आ जाएगा, फुल एनर्जी फुल जोश के साथ में। जय हिंद सोल्जर, जय हिंद सर, लव यू बेटा, ठीक है। यस, चलो आगे आ जाओ। अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, ओपन करिए और आप इस प्रोफाइल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे यहाँ पर आपको हमारी फ्री स्पेशल क्लासेज मिलेगी। अगर आप प्लस का कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर बेटा इवनिंग में 8:30 पर भी आपकी क्लास होती है। कल नहीं हो पाई थी, कुछ बिजी था, आपको पता ही होगा कहाँ बिजी थे। तो आज 8:30 बजे भी क्लास होगी आपकी। और ये अगर आप प्लस की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, उसके बाद में 3 मंथ 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं आरएसआर लाइव, देन 10% ऑफ होगा और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे एजुकेटर से भी आप पढ़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम आरएसआर, जहाँ पर क्लासेज की अपडेट लिंक्स इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दिया जाता है। क्लास को स्टार्ट करूँगा लेकिन उससे पहले रे ऑप्टिक्स एक वो चैप्टर है जो आपको 100% एक क्वेश्चन तैयार करके देता है, 100% क्वेश्चन तैयार करके देता है। और ये जो 30 सवाल मैंने आज 30 क्वेश्चन लगाए बेटा, 30 सवाल पूरे चैप्टर को रिवाइज कराएंगे, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। यानी यहां से हमारा सवाल पेपर में सवाल फंसे ना फंसे, उसका कॉन्सेप्ट फंसा देंगे। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कोई भी हो लपेट देंगे। 30 के 30 सवाल फोड़ने हैं, जो नहीं आता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसको सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करें बेटा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला सवाल आपका स्क्रीन पर, जरा देखिए, 15 सेकंड का टाइम रख लेता हूं बेटा मैं, 15 सेकंड का टाइम रख लेता हूं मैं, ठीक है। फास्ट, जल्दी से, टाइम स्टार्ट नहीं किया क्या? एक सफेद प्रकाश के किरण हवा से कांच में, ओए होए, एयर टू ग्लास, रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, रेयर एयर टू डेंस यानी ग्लास, रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम में जाओगे तो क्या होगा भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, अपवर्तनांक चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगा। रेयर टू डेंस में जाएगा तो वेग घट जाएगा, अपवर्तनांक बढ़ गया है इसका मतलब वेवलेंथ घट गया है। यानी चेंज किस में होगा? कॉन्सेप्ट के साथ में फोड़ो। ऑप्शन डी, फ्रिक्वेंसी, ओनली वेलोसिटी, ओनली फ्रिक्वेंसी नहीं, वेलोसिटी भी होगा लेकिन वेवलेंथ भी होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आना चाहिए। और मैक्सिमम मेरे शेरों ने डी ऑप्शन फोड़ा है, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, बहुत अच्छे, फटाफट से, क्या बात है, अच्छा न्यूमेरिकल है बेटा, पूरा कॉम्बिनेशन बढ़ा के दूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का प्रयास है बेटा। यस, टाइम अप हुआ, टाइम ज्यादा नहीं मिलूंगा मिलेगा यहां पर आपको, नहीं देंगे आपको। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण, ओए होए, यानी उत्तल दर्पण है तो फोकल लेंथ प्लस में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
साइन कन्वेंशन नहीं आता है तो भूल जाओ न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, कतई नहीं होंगे बिना चिन्ह परिपाटी के। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/4 है, मैग्निफिकेशन पावर आपका 1/4 है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी यानी यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा एफ और एम का और यू का रिलेशन अगर अपन निकालते हैं तो एम बराबर एफ बटा एफ माइनस यू, एम आपका 1/4 है, एफ आपका 30 है बटा 30 है माइनस का यू है। अगर मैं बात करता हूँ मल्टीप्लाई कर लो बेटा तो 30 माइनस का यू और 30 चौका 120, यू उधर जाएगा प्लस का, 120 इधर आएगा माइनस का, तो 30 माइनस का 120 यानी यू बराबर कितना होगा 90 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। माइनस का मतलब समझते हो, वस्तु की दूरी हमेशा बाई तरफ होता है नेगेटिव। चिन्ह ऑप्शन में नहीं दिया, हम टेंशन नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वस्तु हमेशा लेंस या मिरर के कहाँ रखी जाती है, बाई तरफ, और बाई तरफ की सभी दूरियां क्या होती है, नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो क्या ऑप्शन बी राइट ऑप्शन आया क्या? बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। टेस्ट सबमिट नहीं हो रहा है बेटा, कुछ अपडेट है, लगभग 10 से 15 मिनट में ओके हो जाएगा, फिर आप जाके चेक करना, वो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा या हो गया होगा अब तक। उस प्रॉब्लम को मैं ऑलरेडी टीम को आइडेंटिफाई करवा के आया हूँ क्लास में आने से पहले, और आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका होगा अब तक, ठीक है। पूरी पूरी टेक्निकल टीम लगी हुई है उसके पीछे, 6-7 बंदों की टीम लगी हुई है, बैक टू बैक जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉर्ट आउट करने में लगी हुई है, बैक टू बैक प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट पे डिस्कस हो रहा है। साधारण सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है यदि यदि एक नेत्रक प्रयोग किया जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर अपन मैग्निफिकेशन पावर की बात करें तो यहाँ पे अगर अपन ये कहें कि 1/F0 और FE, अगर अपन यहाँ पे फोकल लेंथ को कम करेंगे, अगर नेत्रिका की फोकस दूरी कम होगी तो आपका जो मैग्निफिकेशन पावर है, जो आवर्धन है M है, वो बढ़ जाएगा अगर फोकस दूरी कम होगी तो। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट याद रखना है, फिक्स सवाल है, नहीं तो आप फॉर्मूले से याद रख लो बेटा। ये सवाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सवाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। सवालों के PDF वाले भैया अभी भी नींद में है भैया। जो बच्चा अभी भी कमेंट में PDF मांग रहा है ना, वो समझ रहा होगा कि कौन सी दुनिया में रहता है, हैं? अभी भी जो बच्चा PDF कमेंट कर रहा है ना, PDF, पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रहता है अभी भी। वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब, अरे प्लेन मिरर आपका वर्चुअल इमेज आभासी, उत्तल दर्पण के द्वारा दो ही इमेज बनाते हैं और दोनों ही वर्चुअल यानी आभासी, अवतल लेंस के द्वारा दो ही इमेज बनाए जाते हैं दोनों ही वर्चुअल यानी आभासी, अवतल दर्पण के द्वारा 6 इमेज बनाए जाते हैं जिनमें 5 तो रियल और 1 वर्चुअल होता है, और हमें वर्चुअल इमेज के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी वो हमें देखना है। कॉनकेव मिरर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी को आपको राइट ऑप्शन के रूप में कलेक्ट कर देना बेटा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 जिनको भी कोई दिक्कत आया अभी लास्ट में मैं सब कुछ आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लो, फिलहाल क्लास पे फोकस करो। जो भी आपका प्रॉब्लम है मैं इसी क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लूंगा आपसे, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी बेटा, पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक दर्पण का क्षैतिज तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है यदि दर्पण पे कोई ऊर्ध्वाधर किरण आपतित होती है तो परावर्तित किरण दर्पण से कोण बढ़ाएगी। क्या मस्त सवाल बनाया है। आप मुझे एक बात बताओ, ये नॉर्मल है और अगर 30 डिग्री से कोई किरण आपतित होती है तो आप मुझे बताओ परावर्तित किरण दर्पण से कितना कोण बनाएगी। बड़ा गजब का सवाल है, क्या मेकअप है। अगर 30 से आएगी तो 30 से जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये परावर्तित किरण है, तो ये मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगी, 60 और 30 90, 90 में से 30 ऊपर बढ़ गया तो ये कितना बच गया, 60 बच गया, और 60 ऑप्शन सी में आएगा। ये है बेटा टॉप कॉन्सेप्ट के सवाल जो बच्चा गलत कर देता है,
60, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ये हुई ना बात, शेरों वाली बात तो यहाँ पे आई है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बात है, फटाफट फटाफट जल्दी से। ओहो डी आ गया। अरे कतई जहर हो रहे हो तुम तो, बहुत बदमाश हो गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपवर्तनांक प्रकाश का वेग पूछ रहा है। सिंपल लॉजिक से अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा, म्यू बराबर सी बटा वी। अगर वी निकालना है तो सी बटा म्यू। सी का वैल्यू प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ बटा म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, तो भैया काट दो इसको 1.5, तो 1.5 गुणा 10⁸। ऑप्शन डी। बच्चा कह रहा होगा सर इजी सवाल है, तो बेटा पेपर में बहुत लेंदी सवाल नहीं होगा, बेसिक कैलकुलेशन के सवाल होंगे और एक आधा क्वेश्चन होगा जिसमें अच्छी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन सारे ऐसे नहीं होंगे। तो आप टेंशन मत लेना, हर लेवल का पेपर आपको मिलेगा। तैयारी करके लेके आए, पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, बस पेशेंस रखना थोड़ा सा, है ना। बहुत बढ़िया सवाल आपका, देखिए क्या सवाल है। पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग क्या होता है, कोई वातावरण नहीं हो तो। ये सबसे इजी सवाल है ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है। आपको बहुत इजी लग रहा होगा बेटा, ये प्रीवियस ईयर का पेपर का सवाल है, ठीक है। आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये रीजन भी याद रखना, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, नहीं हो पाता है। यानी ब्लैक कलर में दिखाई देगा क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। तो ये पेपर में आया हुआ सवाल आपके सामने है रिजल्ट बेटा, ठीक है। अगला सवाल, शाबाश। काली काली आंखें, तुरुर तुरुर कोरे कोरे काल। क्वेश्चन नंबर 8, तारों के टिमटिमाने का कारण है, हैं? तारों के टिमटिमाने का कारण है क्या? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, एक ही रीजन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सूर्य अस्त, सूर्य उदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, बाद में दिखाई देना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बात है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल लेंस पानी के साथ अवतल बनाता है इस माध्यम का अपवर्तन। अब आएगा मजा, यह है बापू, ये मारी बापू ने एंट्री, अब आएगा मजा। एक माध्यम हवा में उत्तल लेंस, एयर में कॉन्वेक्स, और वाटर में कैसा बन गया, नेचर चेंज कर दिया। कॉन्सेप्ट देखना अपने नोट्स को ओपन करके, एज इट इज नोट डाल के लिखवाया हुआ है, पूरा नेचर, प्रकृति बदल गई। यानी उत्तल लेंस अवतल बन गया, अवतल उत्तल बन गया, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस था वह कॉनकेव लेंस बन गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर पहली में बात आपको करूं, एक से कम होगा तो नेचर चेंज नहीं होगा, पहली बात। दोनों हवा तथा पानी से कम होंगे, दोनों हवा तथा पानी से कम होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे, बराबर होंगे तो दिखाई नहीं देगा, अदृश्य हो जाएगा। याद है ना आपको, किसी पदार्थ को पानी में डालने पे वो एक समतल सीट बन जाता है, अदृश्य हो जाता है। वो कब होता है? जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो। दोनों हवा तथा पानी से कम हो, दोनों हवा तथा पानी से कम हो, दोनों हवा तथा पानी से कम का मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, हवा से अधिक परंतु पानी से कम, इस माध्यम का अपवर्तनांक हवा तथा पानी से कम हो। अच्छा, माध्यम का अपवर्तनांक हवा या पानी से कम हो? नहीं 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 नहीं, कांच, कांच का अपवर्तनांक 1.33 होता है, सॉरी पानी का, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, और अगर मैं ग्लास की बात करूँ तो उसका 1.55 होता, तो वो कम नहीं हो सकता। अब ध्यान देना, हवा से अधिक परंतु पानी से कम, ये हो सकता, हवा से ज्यादा और पानी से कम, दोनों के बीच की कंडीशन पॉसिबल है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। यस, एयर से ज्यादा, एयर का कितना होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
एयर का कितना होता है एक, एयर का कितना होगा एक बेटा, एयर के लिए एक होता है, ग्लास के लिए 1.5, वाटर के लिए 1.33, तो बस आप समझ जाओ क्या खेल है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता हुआ, क्रांति कोण से प्रवेश करते हुए प्रकाश किस रंग के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा? फिर बता रहा हूं, फिर एक बापू लेवल के सवाल की एंट्री हो रही है, हर कोई बच्चा आसपास में नहीं भटकेगा, क्रिटिकल एंगल कैसे रिलेट कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, म्यू बराबर 1/sin c। अब एक बात को समझिए, प्रकाश किस रंग के लिए क्रांति कोण मिनिमम होगा, यानी साइन सी बराबर 1/μ। अपवर्तनांक क्रांति कोण मिनिमम, मिनिमम मतलब जीरो की ओर, जीरो की ओर मतलब ये मैक्सिमम की ओर, और ये मैक्सिमम किसके लिए होगा, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ। अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, इसे बोलते हैं खेला होना। ये बापू लेवल का कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा ना, वही हलवा बढ़ाएगा। फिर से समझना, बहुत जहरीला सवाल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन, म्यू बराबर 1/sin c, तो साइन सी बराबर 1/μ। हमें इसका वैल्यू मिनिमम चाहिए, क्रिटिकल एंगल मिनिमम चाहिए, मतलब मिनिमम जीरो की ओर चाहिए। अगर ये मिनिमम चाहिए तो इसको मैक्सिमम करो, और इसको मैक्सिमम करने पे म्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/λ, रिलेशन तो याद होना चाहिए। इसको मैक्सिमम करना है तो मतलब लेमडा मिनिमम करना है, और हमें पता है इन सभी कलर में बैंगनी कलर वेवलेंथ का वेवलेंथ मिनिमम होता है, VIPGYOR, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो वेवलेंथ सबसे कम हो गया, इसे कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है वेवलेंथ बेटा, शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 उड़ा दो बेटा, फोकस दूरी ये है, संयोजन में लगाए गए उत्तल उक्त संयोजन की समता, वाह भाई वाह, क्या सवाल बनाया है। एक उत्तल लेंस है, दूसरा उत्तल लेंस है, संयोजन की समता 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f बराबर 1/, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, उस तरफ होगी तो पॉजिटिव होगी, यानी 0.5, और प्लस आउटर लेंस की फोकस दूरी होगी ये माइनस में होगी, तो इसको चिन्ह माइनस में कन्वर्ट करो, ये माइनस में कन्वर्ट करो बेटा, देखो तो ये माइनस का आपका 1 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया आपका 1/f बराबर, ये हो गया 2, और ये हो गया 1 माइनस का, यानी 1/f बराबर आपका 1, तो f बराबर 1 आ गया, संयोजन का मीटर कॉम्बिनेशन का। आपको क्या करना है वहाँ पे, समता p बराबर क्या होता है बेटा 1/f, तो एक f का वैल्यू कितना 1/1, यानी 1 डायप्टर, 1 डायप्टर ऑप्शन ए, ये बेटा 1 है, माफ़ी चाहता हूँ भैया, ये 1 है, ये i नहीं है बेटा, i नहीं है। अब बताओ a या आपका b, बताओ ये फोकल लेंथ किस में आया था, 2 - 1 प्लस में आया था ना, तो ये प्लस में है, और ये प्लस में है तो फिर ये भी प्लस में ही आएगा, ये बोलते हैं। अब आया ना टॉप लेवल का न्यूमेरिकल, ऐसे बनेंगे सवाल, हर लेवल का हर कॉन्सेप्ट को, और ब्रह्मास्त्र सीरीज का मतलब यही है कि हर कॉन्सेप्ट पे कवर किया जाए बच्चे का, क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया है कि कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका 12th का, तो पूरा करवा के आपको दूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। वह सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच, वस्तु को बड़ा बना देता है, वस्तु के द्वारा आँख पर बने कोण को बढ़ा देता है, वस्तु द्वारा आँख पर बने कोण को कम कर देता है, वस्तु को निकट कर देता है। आप मुझे एक बात बताओ, वस्तु को हम बड़ा करके देखते हैं तो क्या वास्तव में वस्तु बड़ी हो जाती है, क्या वास्तव में वस्तु बड़ी हो जाती है? बच्चा पहला ऑप्शन लगाएगा, बहुत सारे बच्चे नहीं, क्या वास्तव में वस्तु बड़ी होती है? नहीं, उस वस्तु का एंगल जो हमारी आंखों पे बनाया जा रहा है उस एंगल को इंक्रीज कर दिया जाता है, वस्तु के द्वारा हमारे आंखों पे जो एंगल क्रिएट किया जा रहा है
उस एंगल को इंक्रीज किया जा रहा है, उस कोण को बढ़ाया जा रहा है, जिससे हमें बढ़ी हुई वस्तु दिखाई देती है। और माइक्रोस्कोप का काम क्या है? वस्तु का आकार बड़ा करना। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। देख लो बेटा, शाबाश, वेरी गुड, फटाफट बेटा। देखो बेटा, बेलनाकार, ये सवाल डायरेक्ट पेपर का सवाल बनता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अबिंदुकता दोष भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? अबिंदुकता दोष, अबिंदुकता, हिंदी में इसको अबिंदुकता दोष भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका। पेपर में ऐसा भी सवाल आ सकता है, अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिलेंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मनुष्य दृष्टि वैषम्य दोष से पीड़ित है। ये देखो, ये लेंस के द्वारा जो उपचार है ना बेटा, इनको गलत मत कर देना। बहुत बढ़िया सवाल बनेगा, जहर वाला। दृष्टि वैषम्य दोष से पीड़ित है तो क्या प्रॉब्लम है उसको? भाई दृष्टि वैषम्य दोष का मतलब, ये बीमारी आती है बुढ़ापे में। और बुढ़ापे में एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका कॉर्निया है बेटा, वो कॉर्निया क्या है, गोल नहीं रहता। वह कॉर्निया क्या है, गोल नहीं रहता। जब कॉर्निया गोल नहीं होगा तो समझो दृष्टि वैषम्य जो दोष है वो उत्पन्न होगा, यानी समंजन क्षमता आपकी प्रॉपर नहीं रह पाएगी, प्रॉपर इमेज नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कॉर्निया इज नॉट इन स्पेरिकल शेप, गोलाकार नहीं होगा, देन ये दोष आपको देखने को मिलेगा। आगे आ जाओ। ओहो, कौन से लेंस है? पतले लेंस है, संयुक्त लेंस की समता। बड़ा आसान है। अरे यार, कतई जहर उड़ा दो फटाफट से, पक्का। ये सवाल लेने का मकसद क्या था? अभी आप ऑप्शन चेक करना, इस सवाल को लेने का मकसद क्या था, ऑप्शन चेक करो। कमेंट रुक गया आपका, कैसे रुक गया? जरा ध्यान दीजिए बेटा, एक बटा एफ बराबर एक बटा एफ वन प्लस एक बटा एफ टू, एक बटा एफ बराबर एफ वन एफ टू, तो ऊपर एफ वन प्लस का एफ टू, उलट दो तो ऊपर गुणा आ गया, नीचे टोटल आ गया। सर जी ये जुगाड़ तो हमें पहले ही पता था, लेकिन कुछ बच्चे बी ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे ओवर कॉन्फिडेंस में, जल्दीबाजी में, ऊपर प्लस और नीचे गुणा। और देखो बहुत सारे बच्चे अभी भी कर रहे हैं, देखो जरा गौर से देखो, ठीक है, जरा गौर से देखो, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। ला 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 ला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओ भाई साहब, इसको तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो बापू लेवल का सवाल बनता है, ये बापू लेवल का। यहाँ पे वी आई बी जी वाई ओ आर, विबज्योर वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से अधिक होता है, लाल का हरे से अधिक होगा। नीले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य नारंगी से छोटा होगा, नीले का नारंगी से छोटा होगा, सही बात बोल रहा है। हरे प्रकाश की आवृत्ति, हरे प्रकाश यानी ग्रीन की आवृत्ति नीले प्रकाश की आवृत्ति से अधिक होगी, ग्रीन की कम होगी। गलत बोल गया बेटा, उल्टा बोल गया। हरे प्रकाश की आवृत्ति ग्रीन कलर का फ्रिक्वेंसी आपका ब्लू कलर से अधिक नहीं हो सकता, कम होगा। इधर मैच करवा के देख लो। बैंगनी का प्रकाश की आवृत्ति नीले प्रकाश की आवृत्ति से अधिक होगी, जी हाँ। इधर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है और इधर वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो बैंगनी की आवृत्ति नीले से ज़्यादा होगी, ये सही है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना था, रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन के रूप में क्लिक कर दिया बेटा, ठीक है। यस, निम्न लेंस अथवा निदान से मायोपिया दोष दूर किया जा सकता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, गलत मत करना। ट्रिक दिया हुआ है उत्तल और अवतल को याद रखने का। बस पोल दिया जाए बेटा, पोल हो गया। यस, लेंस अथवा निदान में मायोपिया दोष, देखो एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष। बेटा निकट वाला है और एक दूर वाला है, निकट वाले का नाम बड़ा तो लेंस भी बड़ा, दूर वाले का नाम छोटा तो लेंस भी छोटा, उत्तल छोटा सा बन गया उत्तल, और यह उत्तल।
तो यहाँ पे निदान है मायोपिया, यानी आपका निकट दृष्टि दोष, तो यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे बी लगा रहे, इसमें भी बी लगा रहे, गलतियाँ तो हो रही है बेटा, दोहराई जा रही है, इन गलतियों को दूर करना है बेटा, इन गलतियों को दूर करना है। फोकस दूरी एफ वायु में वाले एक अवतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो जल में इसकी फोकस दूरी होगी। क्या ही बोलूं यार, डायरेक्ट ये सवाल मैंने कई बार प्रैक्टिस करवाया है आपको, कई बार प्रैक्टिस करवाया बेटा मैंने ये सवाल आपको, कई बार ये सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, डायरेक्ट डायरेक्ट। देखो हेयर के लिए 3 4 4 3 7 7/3 एफ 7 में मल्टीप्लाई में आ गया, डायरेक्ट बताया हुआ ये सवाल मैंने आपको, कई बार इस सवाल का प्रैक्टिस करवाया है। तुम आज अगर गलत करो तो करो बेटा, अब मौका है, टूट पड़ो मैदान में, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं, और टेस्ट दो। मैंने कल एक बात बोली थी, तुम्हारी स्पीड 10 गुना बढ़नी चाहिए, बहुत मेहनत की है बेटा, पूरे पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी आप प्ले स्टोर पे जाके देख लेना, वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको हमने कलेक्ट करके दी है, जिस शेड्यूल से, जिस सिस्टम से, चेक करना जाके। सीना ठोक के कहता हूँ, ये तो थोड़ा सा हम लेट हो गए, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी इस वजह से, आगे देखना उसको इस कैसे मेंटेन करते हैं। एक एक चीज आपको लाइन से टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट देखना, पीडीएफ देखना, रैंक देखना, ऑल इंडिया रैंक देखना, ऐसा बना के रख दूंगा, माहौल बदल देंगे, पूरा का पूरा माहौल बदल देंगे। कौन कहता है कि 50 प्लस नहीं आता, 60 प्लस नहीं आता, हम 70 में से 70 फोड़ने के लिए आर्मी तैयार करेंगे, जो करना है कर लो, 70 में से 70 फोड़ने के लिए, हकीकत यही है, 70 में से 70 फोड़ने की। एक अभिसारी लेंस वह है जो, नाम से पढ़ना बेटा, नाम से पढ़ना, कौन सा लेंस है, देखो कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस, यानी जो किरणों को फोकस करता है, जिस पे किरणें आती है और वो एक पॉइंट पे फोकस हो जाता है, किरणें आती है और एक पॉइंट पे फोकस हो जाता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे इकट्ठा करता है, फोकस करता है, एक बिंदु पे कंसंट्रेट कर देता है, और अपसारी जो फैला देता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला सवाल देखो, एक टैंक की तली से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अरे यार ये तो लीक हो गया है, एक तली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, अभी पीछे ही बताया था मैंने आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पेंसिल का मुड़ा होना, तारे टिमटिमाना, ये रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बेटा 5 बजे वाली क्लास, इधर को टेस्ट देना, फिर एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट देना, यहाँ पे 50 40 45, लेकिन जब एप्लीकेशन पे जाए 70 में से 70 फोड़ना है, यही प्रॉमिस करना है, क्योंकि इधर पूरा एक्सप्लेनेशन हम दे दिए ना, अब अगर गलत करता है बच्चा, गलती तेरी है। शाम को 5:30 बजे, 5:30 बजे शाम को फुल मॉक टेस्ट, कल जाके एप्लीकेशन पे दे लेना, इसको तैयार करवा देंगे आपको एप्लीकेशन पे, मिक्स मॉक टेस्ट। अपवर्तन में प्रकाश की तरंगे एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ऐसा क्यों होता है, अपवर्तन में प्रकाश की तरंगे एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाती है, क्योंकि दूसरे माध्यम में क्यों होता है ऐसा, जल्दी बताओ, 18 में कोई दिक्कत है, लास्ट में देखेंगे बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो 18 में कोई दिक्कत है लास्ट में देखेंगे। अपवर्तन में प्रकाश की तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, अरे रेयर मीडियम से डेंस में गया, वेग कम हो गया, स्लो मोशन में हो गया, और डेंस से रेयर में गया, स्पीड बढ़ गया, यानी खेल किसका है, गति का, खेल किसका है, वेवलेंथ का, खेल किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तीनों चीजें एक साथ आती है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। भाई साहब जुकाम लगी है, धूप लगी है, कुछ पता ही नहीं है। हमारी तो गंगा जमुना स्टार्ट हो गई है भाई, इस हालत में हालत खराब है रे भाई। एक वस्तु को एक तरह में डुबो दिया जाए वस्तु। अरे यार अभी अभी क्या बोला था मैंने, अभी पीछे बोल के आया हूँ कि वस्तु अदृश्य हो जाए। यह जब ही हो सकता है जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या हो, बराबर हो। पूर्ण परावर्तक सतह की तरह कार्य करेगी, इस पर आपतित होने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेगी, द्रव्य के तुल्य अपवर्तनांक रखती है। जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही उस वस्तु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। 8:30 बजे वाली क्लास आज से आएगी बेटा रेगुलर मेरे भाई। आपको कल मैंने जितना बड़ा सरप्राइज दिया है उसके लिए रात को 3:30 बजे तक जग रहा था, सुबह 6 बजे उठ के फिर से लगा हूँ। नाक में पानी बह रहा है तो आप समझ रहे होंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है बॉडी के साथ में, फिर भी खड़ा हूँ। टेबलेट लेके क्लास स्टार्ट किया, अभी रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज शाम को 8:30 बजे क्लास फिर मिल जाएगी, वादा किया है निभाएंगे बेटा, ठीक है? टेंशन ना लो, आज करूँगा बेटा 8:30 बजे क्लास। लाइक नहीं कर रहे कोई बात नहीं बेटा, कर देंगे बाद में कर देंगे, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है बेटा। हम अपने काम में कोई कंजूसी ना करें, उसको ईमानदारी से करें बस, बाकी फिर सारा अगले वाले पे सामने वाले पे है। बाकी ऊपर वाला तो देख ही रहा है, वो कभी अन्याय नहीं करता किसी के साथ। विक्षेपण हो सकता है, विक्षेपण का मतलब होता है बिखेर जाना, फैल जाना। विक्षेपण किसका हो सकता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, विक्षेपण किसका हो सकता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि विक्षेपण कैसे करें, कौन सी तरंग का हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। विक्षेपण ट्रांसवर्स का भी हो सकता है, विक्षेपण लॉन्गिट्यूडनल का भी हो सकता है। तो विक्षेपण हो सकता है, दोनों का हो सकता है, केवल अनुप्रस्थ लॉन्गिट्यूडनल का नहीं, गलत, इसका भी हो सकता है, केवल अनुदीर्घ अनुप्रस्थ नहीं, दोनों का होगा। तो अनुप्रस्थ और अनुदीर्घ दोनों का, यस। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, यस। विक्षेपण बेटा किसी भी तरंग के लिए वैलिड है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे वो ट्रांसवर्स हो, चाहे वह लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे वो ट्रांसवर्स हो। विक्षेपण की अगर अपन बात कर रहे हैं, डिस्प्रेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों आएगी, ठीक है? दोनों की दोनों तरह की आएगी बेटा, ठीक है? चलो आगे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। दृष्टि वैषम्य मानव नेत्र के लिए दूर किया जा सकता है, दृष्टि वैषम्य दोष को। देखना बेटा, दृष्टि वैषम्य दोष का सवाल मैंने घुमा दिया है, पीछे यही सवाल पूछा था, बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस के लिए प्रयोग किया जाता है दृष्टि वैषम्य दोष को दूर करने के लिए, और दृष्टि वैषम्य दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस। उसको रिवर्ट कर दिया, उसको घुमा दिया है सवाल को, पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण। वाह भाई वाह, चलो आ जाओ मैदान में। जन होता है कि पानी भरा हुआ है, वास्तव में नहीं होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा। एक और इसका सवाल जो पिछली बार एनडी में आया था, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निर्वात में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? बड़ा बेहतरीन सवाल है, जरा ध्यान से बताना बेटा इसको, जरा ध्यान से। अरे गए, मैंने बोला था ना, गए बेटा, गए, उड़ गए। निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा कांस्टेंट, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। अरे बापू है ये गलत करवाएगा तुम्हारे से, देखिए जरा
गलत करवाएगा ये तुम्हारे से, ठीक है? यस। देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27। फटाफट से, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्मों के किस आवरणक संयोजन पर गिरती है तो निम्न होता है, क्या होगा, किसमें चेंज होगा, चेंज किसमें होगा? श्वेत प्रकाश अगर किसी प्रिज्म के किसी आवरणक संयोजन पर डालते हैं तो विचलन होगा, विक्षेपण, या दोनों होंगे? क्वेश्चन नंबर 27, जरा देखो ध्यान से। जब प्रिज्म पे प्रकाश गिरता है, श्वेत प्रकाश, गौर से देखना बेटा, तो वह इस तरीके से मुड़ता, ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे इसको सीधा जाना होता है, इस तरीके से मुड़ जाता है, और ऐसे इसका देखा होगा आपने रंगों का विक्षेपण भी होता है। तो प्रकाश पुंज आवरणक, ओ हो, ना 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 ना, केवल और केवल डेविएशन। अगर ये आवरणक नहीं होता, क्रोमेटिक नहीं होता, तो दोनों आते, विक्षेपण भी आता, ये वाला कॉन्सेप्ट आता, बट फिलहाल इसने आवरणक कॉम्बिनेशन बोला है, आपका एक्रोमेटिक संयोजन आपका यहाँ पर दिया है, तो भाई साहब केवल डेविएशन आएगा, केवल विचलन आएगा भाई, सवाल का मेकअप हो गया बापू लेवल पे, नहीं तो इसका ऑप्शन होता सी, सवाल का मेकअप कर दिया गया, सब कुछ बदल के रख दिया गया बेटा, ठीक है, बदल का रख दिया बेटा सब कुछ। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, 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 जरा ध्यान से, ओहो साफ साफ दिख गया, तो लीक हो गया पेपर ही पूरा। सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल नियत, नहीं, वैक्यूम में कांस्टेंट होती है, और वैक्यूम में होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। किसी दर्पण से इकाई आवर्धन की वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो यह होगा, ओहो जरा ध्यान से बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 29। रियल, देखो बेटा मैं आपको बताऊं, अवतल, और ये क्या है बेटा, दर्पण, मिरर, तो इसमें इस कॉनकेव मिरर में 5 इमेज रियल बनते हैं, एक वर्चुअल बनता है, परवलयिक तो होता ही नहीं है, समतल पे वर्चुअल होगा, इस पे वर्चुअल होगा, आभासी होगा, ये तो दो ही इमेज बनाता है, दोनों ही वर्चुअल होते हैं, तो अपना पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। पीछे भी मैंने ये सवाल आपको बहुत अच्छे से बताया था बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब ये प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रकाश की किरण को डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी वो वापस लौट के उस माध्यम में आता है, डेंस टू रेयर, सघन से विरल में जाएगा, ये रेयर से डेंस गलत, वैक्यूम गलत, एयर टू ग्लास, ओ सॉरी वाटर गलत, पानी से वायु में, क्योंकि पानी का अपूर्णांक होता है 1.33 और वायु का अपूर्णांक होता है 1, तो 1.33 से 1 में जाएगा तो डेंस से रेयर हो गया, और डेंस से रेयर में होगा डी ऑप्शन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, आपका राइट आंसर रहेगा। 5:30 बजे वाली ये क्लास है बेटा, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, महा मॉक टेस्ट, यही आपका रियल आपको स्कोर देगा, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, जो सवाल बताया जाता है उसको क्लियर करो। अब मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनना बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सारे बच्चे, एक बार फोकस करना, जो एप्लीकेशन जो अपना बनाया गया है उस एप्लीकेशन पे बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ, और फिर आप जाके लॉगिन करो और टेस्ट लगाओ, PDF ओपन करो, रैंक निकालो अपना, जितने भी टेस्ट आपको दिए गए, मॉक टेस्ट लगाए गए, ब्रह्मास्त्र दिए गए, उन सबका PDF रैंक के रूप में
जाके अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो फटाफट, और अपना रैंक चेक करो, अपना स्कोर चेक करो। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाओ और आरएसआर डालो, आरएसआर सर्च करो। सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का लोगो दिखेगा और यहाँ पर आरएसआर आपको दिख जाएगा लिखा हुआ, और ये लोगो आपको दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में ऐसा कुछ खुलेगा। खुलते ही बच्चे इस पर क्लिक करते हैं, जय हिंद बेच पे। रुक जाओ, जय हिंद बेच पे क्लिक नहीं करना है, आपको इनरोल कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। या तो यहां क्लिक करोगे तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, या माई कोर्स पे जाओगे तो वहां पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, साइन इन का ऑप्शन आएगा माई कोर्स पे। साइन इन कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, पहला नाम भरना है, लास्ट नाम भरना है, सही से रजिस्टर करना है, ये कॉलम खाली नहीं रखना, इसमें कुछ ना कुछ लिखना है। उसके बाद में फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल सेलेक्ट करना है, अपने मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर सही डालना, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर ही आपकी यूजर आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर के नीचे क्या आएगा, ईमेल आईडी, आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप कुछ भी अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो ही चीज़ें लॉगिन करने के लिए, ध्यान से सुन लो, ये तो आपका यूजर आईडी मोबाइल नंबर, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, जैसे आपने बोल दिया 4 5 6 3 2 1, तो ये आपका पासवर्ड हो गया, ठीक है। ये मोबाइल नंबर आईडी और ये पासवर्ड, ये ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं है, ईमेल आईडी रखनी है, उसका पासवर्ड नहीं रखना इधर। ये पासवर्ड तो आपको खुद को क्रिएट करना, अपना बनाना है, और सबमिट कर देना साइन अप करके। फिर आपके सामने ऐसा खुलेगा, ये आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल दिया और साइन इन कर लिया। अब आ जाओ जय हिंद बेच पे। अब ध्यान से समझना, जय हिंद बेच पे क्लिक करोगे मेरे शेर, तो फिर देखना यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग लिखा हुआ आता है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ आ रहा है तो एक बार रिस्टार्ट कर लेना, या लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लेना। ध्यान से सुनना, देखो अब होगा काम की बात, अब सुनना। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल मैथ्स, जैसे मान लो आपको किस सब्जेक्ट में जाना है, आपने इंग्लिश पे क्लिक किया, आपने इंग्लिश पे क्लिक किया, संजय सर सामने आ गए, संजय सर के टैब पे क्लिक किया तो संजय सर के तीन कॉलम खुल गए, प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट और वीडियो सॉल्यूशन। ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फर्स्ट, मॉक टेस्ट सेकेंड, मॉक टेस्ट थर्ड, मॉक टेस्ट फोर। पहले मॉक टेस्ट पे क्लिक कर दिया मेरे शेरों ने, पहले मॉक टेस्ट पे। जैसे ही पहले मॉक टेस्ट पे क्लिक किया, अब देखो जरा, ये आपका पहला मॉक टेस्ट है, और ये एग्जाम ओवरव्यू, 45 क्वेश्चन, राइट आंसर एक नंबर, रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग 0.25, टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट है, और ये आपका एग्जाम डेट। स्टार्ट करो एग्जाम। एग्जाम स्टार्ट किया और ये आपके सामने पहला सवाल, गौर से देख लो, प्रॉब्लम आएगा बेटा वहां पे, गौर से देख लो बेटा। अभी रैंक में भी मैं बताऊंगा, जरा ध्यान दो, पूरा समझ लो, फिर जाके कर लेना आप। उसके बाद में पहला सवाल आया, सी बी ऑप्शन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, दूसरा सवाल आ गया, तीसरा आ गया, और उसके बाद में नेक्स्ट करते गए, स्किप करना है तो इसे स्किप कर दो। उसके बाद में आपका टेस्ट पूरा हो गया, सबमिट पे क्लिक करो, पूछेगा आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट, यस, सबमिट पे क्लिक करोगे। अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो सबमिट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10-15-20 सेकंड का। सबमिट करोगे, अब देखो जरा, ये आपका एवरेज परफॉर्मेंस, करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, कितने क्वेश्चन स्किप किए, आपकी क्वालिटी कैसी चल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिपोर्ट कार्ड आपका कितना स्कोर आया, और आपकी रैंक कौन सी आ रही है, रैंक कौन सी चल रही है, ठीक है। अब यहां से आप व्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन देख सकते हो, वापस आओगे, जैसे ही व्यू क्वेश्चन पे क्लिक करोगे आपको आपका सॉल्यूशन दिख जाएगा। राइट आंसर था सी और आपने क्लिक कर दिया डी, यानी गलत हो गया, इस तरीके से। उसके बाद में आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, इस पे क्लिक करोगे आपको सारे बच्चों की रैंक दिख जाएगी, रैंक चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे टोटल स्कोर, आपका रैंक पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, आप रैंक चेक कर सकते हैं। मान लो मुकेश सर के कॉन्सेप्ट पे क्लिक करना है, प्रैक्टिस नहीं, कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट पे क्लिक किया, हाइपरबोल पैराबोला कॉन्सेप्ट आ गया, 3D आ गया, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आ गया, आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने PDF होगी और आप उसको जाके टेस्ट दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेस्ट देके अपनी स्पीड बूस्ट अप करो, रैंक जनरेट करो, कॉन्फिडेंस आएगा, सारे बच्चे जाके लॉगिन करो, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर जो है वही आपका लॉगिन आईडी है, और जो पासवर्ड आपने बनाया था, जो भी पासवर्ड है 6 डिजिट का, वह पासवर्ड आपका काम कर जाएगा, ये जाके सारे बच्चे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आराम से जाना, बहुत ट्रैफिक है, 15,000 प्लस बच्चे वहां पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी सुबह से अब तक, तो आप आराम से जाओ, लॉगिन करो और टेस्ट दो,
रैंक जनरेट करो, फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट का टेस्ट देना है प्रैक्टिस करो और बस बचे हुए 10 दिन में माहौल बदल दो। ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होने वाला है, सारे बच्चे जाके रजिस्टर कर लो। ऑल इंडिया लेवल पे लाइव टेस्ट होगा, ऑल इंडिया लेवल पे रैंक आएगी, वहां पता चलेगा तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है नए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा। 18 नंबर देखो सर, 18 नंबर में क्या सवाल में दिक्कत है बेटा, 18 में क्या दिक्कत आ रही है बेटा, 18 में क्या दिक्कत आ रही है बेटा, ओ मिरर है, सॉरी मिरर है भाई, इसमें ए लगाओ, मिरर है, सॉरी मिरर है बेटा, ये मिरर है भैया, लेंस नहीं है, मिरर है, इसको देखिए, मिरर है बेटा। और कल का टॉपिक कौन सा होगा, कल होगा वेव ऑप्टिक्स, कल होगा बेटा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, नो चेंज। हाँ सॉरी, ये मिरर है बेटा, लेंस नहीं है, सॉरी मिरर है, लेंस में चेंज कर दिया मैंने, लेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा।